कृपया पैनिक ना क्रिएट करें, कहीं कोविड अभी नहीं आया है, एक दो केसेज आए हैं वो घर पर ही लोग इलाज करा रहे हैं, और सर्दी जुखाम जैसा है, मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूँ, जनता को बताएं कि केवल सतर्क रहें और जरा भी चिंता की आवश्यकता नहीं, कोविड वो वाला कोविड नहीं है, बहुत कम परेशान करने वाला है और बहुत चिंताजनक बात नहीं है। मैंने आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी टोटल आइसोलेशन बेड्स है नियर अबाउट 22,445 है, ऑक्सीजन बेड्स 35,000 नियर अबाउट है, आईसीयू बेड्स नियर अबाउट 10,000 है, वेंटिलेटर बेड्स नियर अबाउट 6,500 है, एकून जो मैन पावर है डॉक्टर्स एमओ वो नियर अबाउट 30,000 है, कोविड जो उनका ट्रेनिंग दिया है अपना कोविड का वो डॉक्टर्स नियर अबाउट 25,000 है, जो ट्रेंड नर्सेस है वो नियर अबाउट 30,000 है। इसका मतलब जो सपोर्टिव स्टाफ हमारा मैन पावर डॉक्टर्स ईच एंड एवरीथिंग इज एट प्लेस, वो अच्छी ढंग से अच्छी तरह से उपलब्ध है, और हमारे पास जो टेस्टिंग करने के लिए जो किट्स लगती है RT-PCR वो भी नियर अबाउट 3.5 लाख उपलब्ध है, और रैट रैपिड एंटीजन किट्स वो भी नियर अबाउट 15.84 लाख रेडी है, और ऑक्सीजन की उपलब्धता भी नियर अबाउट मेरे पास 6,000 मेट्रिक टन नियर अबाउट 2 to 3 times एज पर द नीड इतना है, सो कोई डरने की बात ही नहीं है। और जो वेरिएंट है JN1 उनका जो इन्फॉर्मेशन मिला वो तो सौम्य है, उतना घातक नहीं जितना प्रीवियस था, तो जीवित हानि नहीं हो जाएगी, फिर भी हमारे महाराष्ट्र के सभी लोगों को हमने विनंती करा हो आपके माध्यम से कि टेक अ प्रिकॉशनरी मेजर्स, डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी जहाँ भी अभी देखो क्रिसमस है, छुट्टियाँ है, 31 दिसंबर आने वाला है, नए साल का स्वागत होने वाला है, जो हम वो करने जा रहे हैं वो आप थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए, जिसको कोई डायबिटिक है, कोई कैंसर है, कोई बीपी है, जो पुराना कोई आपका आजार है, तो उन लोगों ने जो उसके सम्मिलित होते समय थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए, उतना ही मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ।